हेलो बच्चों, चलिए वेव थ्योरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, अभी तक वेव थ्योरी चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे वेव टर्म का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव क्या होगा, वेव को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे। देन बेटा हम बातचीत कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ वेव। अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, किस किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम होते हैं, जिसको फाइनली हमने कंक्लूड किया था वेलोसिटी ऑफ वेव एंड स्लोप ऑफ ए वेव के रिलेशन के साथ। अब बातचीत करते हैं बच्चे अगले टॉपिक की। देखो यार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस एंटायर चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव के बारे में बातचीत करते हैं। इस एंटायर चैप्टर में जो हमारा पूरा की पूरा डिस्कशन होने वाला है वो मैकेनिकल वेव के बारे में होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा पहला टॉपिक आता है हमारा ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इन स्ट्रिंग। देखो बच्चों, एकदम आसान सी कहानी है, बस आपको इसको डिटेल में समझ लेना है क्या ये कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पर आपको बोला है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इन स्ट्रिंग। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है? इसका आंसर मैंने आपको पहले लेक्चर में ही दिया था, स्ट्रिंग में कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं हो सकती, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रेशर वेव होती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्मेट में मूव करती है। स्ट्रिंग के पार्टिकल पास और दूर नहीं होते हैं, उनकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, डेट मीन्स वहाँ पर वेव का जो मूवमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, वो ट्रांसवर्स ही होता है। पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? मैकेनिकल एफर्ट्स के कारण ही यहाँ पर वेव ट्रेवल कर रही है, डेट्स वाई इट इज अ मैकेनिकल वेव। तो देखिए, लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूँ बेटा, आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक सिस्टम है, यहाँ पर ये कोई भी एक पुली है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से एक ये स्ट्रिंग पास हो रही है और नीचे बेटा मैंने कोई भी एक एम मास को हैंग कर रहा। तो देखिए, अगर मैं इस तरीके का सेटअप यूज में लेता हूँ, जैसे ही मैं एम मास को इस स्ट्रिंग से हैंग करता हूँ, तो ये जो स्ट्रिंग है अपनी टाइट रहेगी, क्योंकि ये एम मास नीचे खींचेगा बट ये एक एंड पर क्लोज्ड है, बंधी हुई है, तो ये मूव भी नहीं करेगा, स्ट्रिंग टाइट होगी। करेक्ट? अब मैं अगर उंगली से छोटा सा इसमें झटका दे दूं, अरे बात समझ में, अगर मैं स्ट्रिंग में थोड़ा सा भी जर्क प्रोड्यूस करूं, सो अल्टीमेटली इसमें वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। आई बात समझ में? जैसे अगर मैं इस एंड पर अगर जर्क देता हूँ तो इस पूरी स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्प्रिंग, इन स्ट्रिंग। तो देखो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, यहाँ पर कोई भी हम डेरिवेशन फॉलो नहीं करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डेट इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ टी अपॉन यू। ठीक है, इस फॉर्मूले को हालांकि ड्राइव भी किया जा सकता है, डेरिवेशन इवन आपके ना स्कूल एग्जाम में भी काम नहीं आता है। ठीक है, डायमेंशनल डेरिवेशन काफ़ी बुक्स में देते हैं, लेकिन वो डायमेंशनल तो एक तरीका हो गया रिजल्ट निकालने का, लेकिन मेन तरीका नहीं होता। ठीक है भाई, डायमेंशनल से थोड़ी प्रूफ होते हैं फॉर्मूला, डायमेंशनल से तो वेरीफाई होते हैं फॉर्मूला सही है या गलत है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू होगा रूट टी अपॉन म्यू। हेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड हियर म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ, राइट? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। कि अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ, लेट से ये कोई भी एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का जो मास है वो एम है और लेंथ है वो एल है। करेक्ट? लेंथ एल है, मास एम है, तो ये हो जाएगा म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ।
इस बात को अगर थोड़ा सा डिटेल में और समझा जाए तो देखिए, लेट से मैं बोल देता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सिलेंड्रिकल होती है, इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो, करेक्ट? तो आप कैसे लिखोगे, मास विच इज़ इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हेयर डेंसिटी इज रो, सिलेंड्रिकल वायर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ म्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा मास पर यूनिट लेंथ, डेट विल बिकम इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। इट विल बिकम इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी डेट विल बिकम इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? ये क्लियर क्लियर बताता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अगर टेंशन को बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया है, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर मैं बेटा इसका ग्राफ भी प्लॉट करूँ रेडियस का और वेलोसिटी का, तो ये हाइपरबोलिक रिलेशन है, इस टाइप का ऐसा रिलेशन इसका बनने वाला है। तो आपको बस एक ही बात को अच्छे से समझना है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग में टेंशन मैंने अप्लाई किया है और वो मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होता है रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। टी होता है स्ट्रिंग में टेंशन और म्यू होता है बच्चों यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ। आई बात समझ में? ठीक है, आर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है, ये इनके फाइनल कॉन्सेप्ट होंगे, करेक्ट? चलिए तो देखिए, अगर मैं मैकेनिकल वेव की बातचीत करूं तो सीधा सा है कि अगर स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होगी जिनकी वेलोसिटी को इस तरीके से निकाला जाता है। बातचीत कर लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर बन जाते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को समझने का ट्राई कर लेते हैं ताकि इसकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए। देखो बच्चों, जिनको ये नोट डाउन करना है वो साथ के साथ इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्लियर? चलिए देखो यार, लेट से मैं ऐसे बोल देता हूँ, आपको बोला है ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, इससे मैंने बेटा एम मास हैंग कर रखा है, और ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर 2m मास है और फिर मैंने m मास यहाँ पर हैंग कर रखा है, क्लियर? आपको बोला है बेटा ये जो स्ट्रिंग है इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, इसका भी मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, करेक्ट? अगर इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v1 है, इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इस वाली स्ट्रिंग में v2 है, देन डिटरमाइन v1 अपॉन v2। आपको बताना है बेटा v1 अपॉन v2 क्या होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में, कि एक तो मैंने सीधा सपोर्ट से हैंग कर रखा है, एक को मैंने 2m मास से हैंग कर रखा है। आपको बताना है बेटा यहाँ पर v1 अपॉन v2 क्या होगा, वेलोसिटीज का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाकी जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो मेरे साथ समझ लो कैसे हम इसका आंसर निकालने वाले। देखो यार, बहुत ही आसान सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव डेट इज इक्वल टू होता है रूट के टी अपॉन वी। बस हमें टेंशन निकालना आना चाहिए, और टेंशन निकालना हमने कहाँ पर सीखा है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। उसकी हेल्प से हम टेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर बोलता हूँ, इस वाले केस में यहाँ पर टेंशन टी है और नीचे क्या लगेगा, मास एम जी, तो यहाँ पर टेंशन कितना आएगा, एम जी। तो वी वन डेट विल बिकम इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ एम जी अपॉन वी, करेक्ट? राइट, कि यहाँ पर अगर टेंशन लिखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन इक्वल टू होगा एम जी, तो वी वन डेट विल बिकम इक्वल टू आ जाएगा अपना रूट ऑफ एम जी अपॉन वी। आई बात समझ में नहीं आई? अगला, अगर बेटा मैं इसमें बातचीत करूं तो यहां पर बस मुझे टेंशन मिल जाए, टेंशन कितना है तो मैं बता दूंगा कैस क्या आंसर इसका होने वाला है, क्लियर? चलिए तो देखो बच्चों,
मान लो यहाँ टी है, यहाँ पर टी डैश है। टी डैश तो कितना होगा अपना, 3 mg, सीधा सीधा दिख रहा है 2m और m, तो ये हो गया 3 mg। अगर मैं 2m का FBD बनाता हूँ, ये 2m है, ऊपर टी डैश है, नीचे टी है, और नीचे कितना है बेटा यहाँ पर 2 mg। तो यहाँ से टी डैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, mg। आ रहे हैं समझ में, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। या सीधा सीधा m का FBD बना लो, नीचे mg है, ऊपर a की टेंशन है t, ये इक्विलिब्रियम में, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। आई बात समझ में? इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ तो आप यहाँ पर भी लिखोगे वेलोसिटी इक्वल टू होगा रूट टी अपॉन म्यू, करेक्ट। तो अगर मैं वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बातचीत करूँ तो ये हमारी हो जाएगी रूट के mg। आई बात समझ में? एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि V1 अपॉन V2 अगर लिखा जाए तो V1 रेशियो V2, ये हमारा आएगा बेटा 1:1। आई बात समझ में? ठीक। तो बस आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, और न्यूमेरिकल को कैसे घुमाया जा सकता है और कैसा क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं। आगे चले, देखो बच्चों, एक काफी अच्छा न्यूमेरिकल यहां पर बन रहा है। लेट से ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है। आपको बोला है मास ऑफ स्ट्रिंग इज एम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, मतलब कि इसका जो मास है वो कंप्लीट लेंथ में डिवाइडेड है, मास एम है, लेंथ एल है। जैसे ही मैं इसमें बेटा जर्क देता हूँ, देन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम द बॉटम मोस्ट एंड। और दूसरा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस ऑफ 3L/4 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिटरमाइन। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द वेव एट पोजीशन L/4 एंड 3L/4 फ्रॉम बॉटम मोस्ट। देखो मैं क्वेश्चन वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है जिसका मास एम है और लेंथ एल है, क्लियर। अब मैं जैसे स्ट्रिंग के बॉटम एंड पर जर्क देता हूँ, ऐसे मैंने एक जर्क दिया तो इसमें वेव प्रोड्यूस होगी और वो वेव बॉटम मोस्ट एंड से टॉप एंड तक जा रही है। तो आपको बताना है जब ये L/4 पर है तो वेव की वेलोसिटी क्या होगी, जब ये 3L/4 पर है तब वेव की वेलोसिटी क्या होगी। दोनों केसेस के लिए हमें वेव की वेलोसिटी को डिटरमाइन, क्लियर। चलिए चेक करते हैं बच्चों यहां पर क्या आंसर होगा, वेव की वेलोसिटी को किस तरीके से निकाला जाएगा। यार देखो आसान सी बात है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करते रहो, बाकी ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको समझ लो। देखो यार, इनिशियली यहां पर थी वेव, यहां पर कोई टेंशन नहीं था। अभी टेंशन तो नीचे अगर कोई मास हैंग हो रहा है तभी होगा। लेट से एक टाइम पर वेव यहां पर इस पोजीशन पे आ जाती है एट अ डिस्टेंस एक्स। अगर इस पॉइंट पर मैं वेव वेलोसिटी की बातचीत करूं, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो आपने पढ़ रखा है बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव तो होता है अपना रूट के टी अपॉन, कितना होता है रूट के टी अपॉन म्यू। यहां पर देखिए, बस मुझे टेंशन पता लग जाए, म्यू तो मुझे दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ है, तो मैं बता दूंगा यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर टेंशन की मैं बातचीत करूं तो बेटा ये इस पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो ये जो हैंगिंग पार्ट है इसके कारण होगी, करेक्ट। डेट भी मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे इस पार्ट का मास पता लग जाए तो मैं बोल दूंगा टेंशन हो जाएगा एम जी,
ठीक है, लेट मास ऑफ एक्स लेंथ पार्ट इज स्मॉल एम, करेक्ट। तो यहां से अगर मैं बेटा लिखूंगा देन टेंशन डेट विल बिकम इक्वल टू एम, सीधी सी बात है, बस मुझे मास लिखना है। देखो बच्चों, एल एल लेंथ का तो कितना था एम, तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा एम अपॉन एल। मुझे कितनी लेंथ का लिखना है एक्स का, तो इसका मास कितना आ जाएगा एम अपॉन एल इंटू एक्स, मतलब कि टेंशन हो जाएगा म्यू एक्स इंटू जी, करेक्ट। टेंशन मिल गया, इस वैल्यू को बेटा यहाँ पर पुट कर दो, तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, यहाँ से टेंशन इन अ स्ट्रिंग डेट विल बिकम इक्वल टू रूट ऑफ जी एक्स, कितना टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, डेट विल बिकम इक्वल टू रूट ऑफ जी एक्स। एकदम आसान सी कहानी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे लेंथ को हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे टेंशन जो है स्ट्रिंग में चेंज होता जाएगा, सॉरी टेंशन आएगा म्यू एक्स जी। और अगर मैं वेलोसिटी की बातचीत करूं तो इसकी जो वेलोसिटी आने वाली है ये कितनी हो जाएगी हमारी रूट के जी एक्स, टेंशन तो म्यू एक्स ही आ गया। अब जैसे जैसे एक्स में चेंज होगा वेलोसिटी में चेंज होता जाएगा, जैसे अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा एल वाई फोर पर मुझे वेलोसिटी लिखनी है वी वन, डिस्टेंस मैंने नीचे से मेजर की है तो ये हो जाएगा जी एल वाई फोर, और अगर मुझे थ्री एल वाई फोर पर लिखनी है तो वी टू हो जाएगा हमारा रूट के थ्री जी एल वाई फोर, ठीक है। वी वन तो आएगा रूट के जी एल वाई फोर और वी टू आएगा रूट के थ्री जी एल वाई, आई बात समझ में। तो एकदम आसान आसान सा कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी होता है रूट जी एक्स, यहाँ पर एक्स एल वाई फोर है, एक केस में जो एक्स है वो अपना थ्री एल वाई फोर हो जाएगा। इस तरीके से हम वी वन और वी टू की वैल्यू को निकाल सकते हैं, करेक्ट। ऐसे यहाँ पर अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जेई मेन में ये भी पूछा था कि भाई टाइम भी बता दो, अगर ये जैसे मान लो एल वाई फोर से थ्री एल वाई फोर तक जाने का ही टाइम बता दो, वेव जो है ये एल वाई फोर, जैसे मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इनिशियली कहाँ पर है एल वाई फोर पर है, फाइनली थ्री एल वाई फोर पर आ रही है, एल वाई फोर से थ्री एल वाई फोर तक जो ट्रेवल करने का टाइम है वो कितना होगा उसके बारे में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अगर ये एल वाई फोर से थ्री एल वाई फोर आ रहा है तो इसका टाइम कितना होगा ये टाइम आपसे पूछ ले। तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा इसे भी समझ लो, अगर टाइम भी पूछ ले तो आपको वेलोसिटी पता है राइट, तो सीधा सीधा सा यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल है, मैं अगर लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी ये होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू है रूट ऑफ जी एक्स, अगर आप इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स और ये हो जाएगा अपना रूट जी इंटू डी, दोनों साइड यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, ये तो हो गया जीरो से टी और ये हो जाएगा हमारा बेटा एल वाई फोर से थ्री एल वाई फोर, करेक्ट। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स की रूट एक्स, लिमिट आएगी एल वाई फोर से थ्री एल वाई फोर और ये क्या हो जाएगा रूट जी इंटू टी, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू तो बाहर आ गया, ये रह जाएगा बेटा रूट के थ्री एल वाई फोर माइनस के रूट के एल वाई फोर इक्वल टू रूट जी इंटू टी, इतना टाइम इसको लगने वाला है अगर आपसे टाइम के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन पूछ ले। बेसिक सा मैकेनिक्स मैंने यूज में लिया है, बेसिक मैकेनिक्स यूज में लेके हम टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ टाइम यहाँ पर क्या होगी, किस तरीके से टाइम को निकाला जाए, करेक्ट। तो ये इसका बेटा सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन गई, वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, जैसे पहले में मैंने बोला टेंशन अगर आपको गिवन है तो सीधा सीधा लिख दो अगर यूनिफॉर्म टेंशन है, अगर टेंशन चेंज हो रहा है तो आपको लिखना है तो बेटा इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं, इस तरीके से इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वाली चीज को आप नोट डाउन करो, फिर हम बातचीत करते हैं बच्चों अगले न्यूमेरिकल की, एक और न्यूमेरिकल इस पे चेक कर लेते हैं
कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्लोइंग हो सकता है। आगे चले अगला न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा आपको, एक तो ये ए स्ट्रिंग के बने, एक ये आपको बी स्ट्रिंग के बने, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो तो है 3R, डेंसिटी है रो और लेंथ है एल, करेक्ट। इसका जो रेडियस है डेट इज आर, डेंसिटी इज अ रो बाई टू एंड लेंथ इज 4L, करेक्ट। डेंसिटी रेडियस और लेंथ आपको दी हुई है, क्लियर। अगर मैं बोल देता हूँ बेटा टेंशन इसमें टी है, और इसमें भी जो टेंशन हमने लगाया है वो टी ही लगाया है, यहाँ पर वेलोसिटी जो वेव प्रोड्यूस हुई है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है इसमें वी वे है और इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो वी वी है, देन डिटरमाइन वी ए अपॉन वी। यहाँ मैंने कंपैरिजन करवाया है, देखो एक तो एनएलएम वाले क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, टेंशन आपसे निकलवा ले तो टेंशन तो आपने खूब निकाला है एनएलएम के क्वेश्चन में, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चंस कराने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो यहाँ मैंने दो अलग अलग डायमेंशन की स्ट्रिंग दी है, आपको बताना है बेटा इनके लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, राइट। चलिए सॉल्व करो क्या आंसर इसका आएगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर इसका आएगा। जो अपना सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है यार। देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें सोचना है हमें। देखो यार जैसे पहले में वेलोसिटी लिखनी है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ना स्ट्रिंग ये होता है बच्चों रूट के टी अपॉन वी, जिसको अगर अनदर टर्म्स में लिखा जाए तो ये आता है टी अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस और डेंसिटी की डिपेंडेंसी पर भी हम इसको लिख सकते हैं, बात आ रही है समझ में, ठीक है। रेडियस और डेंसिटी डिपेंडेंसी से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखो बस वैल्यूज़ को मुझे बेटा यहाँ पर पुट करना है। अगर मैं फर्स्ट में लिखता हूँ वी ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, टेंशन तो अपना टी है, डेंसिटी रो है, इंटू पाई, रेडियस कितना है 3R, 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा 9R स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी बी डेट इज इक्वल टू अंडर रूट, टेंशन कितना है बच्चों टी, डेंसिटी कितना है बेटा हमारा रो बाई टू इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। बता रही है समझ में। अगर मुझे निकालना है बच्चों वी ए अपॉन वी बी तो बस इनका रेशियो करना है। देखो जो जो कट रहा है उनको काट दो, टी से तो टी कट जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर से रो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे तो क्या रह जाएगा अंडर रूट 1/9, अंडर रूट के 1/9, और यहाँ पर क्या रह जाएगा टू, क्योंकि ये टू ऊपर चला गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट के 1/18। इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे स्ट्रिंग वेव पर बन जाते हैं। अगर स्ट्रिंग में कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है तो वो ट्रांसवर्स होगी, क्यों होगी ट्रांसवर्स, कितनी वेलोसिटी होगी, वेरिएबल मास के टर्म्स में क्या होगी और नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड फर्दर और भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी को सेम डे क्लियर कर लो ताकि आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, क्लियर। चलिए तो अब बेटा स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव। थैंक यू।